दुनिया के तीन महान साइंटिस्ट और उनके जन्म मृत्यु का अजब संयोग। आज 14 मार्च को ऐसा अजब संयोग बना जो साइंस की दुनिया के लिए काफ़ी हैरान करने वाला है। आज के दिन दुनिया के दो सबसे मशहूर साइंटिस्ट में से एक का जन्म हुआ और दूसरे की मौत। आज के दिन यानी 14 मार्च 1879 को मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि आज भी बच्चों से लेकर बूढ़े हों या साइंस में इंटरेस्ट ना रखने वाले भी इस नाम को बखूबी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर आइंस्टाइन के बाद मॉडर्न दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का आज ही के दिन निधन हो गया। इसमें एक तीसरे महान साइंटिस्ट का भी ऐसा संयोग जुड़ा है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। तो आइए जानते हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कुछ और। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ ठीक उसी तारीख को महान साइंटिस्ट गैलीलियो की भी मौत हुई थी। गैलीलियो की मौत 8 जनवरी 1642 को हुई थी, जबकि स्टीफन हॉकिंग का जन्म ठीक 300 सालों बाद 8 जनवरी 1942 को हुआ। अगर इन तीनों कड़ियों को जोड़ें तो हम पाएंगे कि स्टीफन हॉकिंग का जन्म और उनकी मृत्यु की तारीख दुनिया की दो महान साइंटिस्ट से जुड़ी हुई है। 14 मार्च यानी आज के दिन स्टीफन का निधन हुआ जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जन्म तारीख है। वहीं 8 जनवरी को स्टीफन पैदा हुए जो कि महान गैलीलियो के निधन की तारीख है। हैरानी की बात यह भी है, आइंस्टीन की मौत भी 76 साल की उम्र में हुई और अब स्टीफन का निधन भी 76 साल की उम्र में हो गया। यही नहीं, गैलीलियो का निधन 77 साल की उम्र में हुआ था। 21 साल की उम्र में हुई थी बीमारी। हॉकिंग का जन्म ब्रिटेन में 8 जनवरी 1942 को हुआ। 21 साल की उम्र में उन्हें लाइलाज बीमारी हो गई। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान के निदेशक थे। हॉकिंग की गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्री के तौर पर होती है। कंप्यूटर और विभिन्न गैजेट्स के जरिए वे अपने विचार व्यक्त करते थे। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में उन्होंने अहम योगदान दिया है।